नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई बोहरा जमात बोहरा मस्जिद के प्रांगण में। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बोहरा जमात की जो मदरसा सैफिया है, उस कमेटी ने अपने बैनर तले यहाँ पर बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप का एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें खास करके बच्चों के दांत, आँख, कान, इन सब चीज़ों की जाँच हो रही है। भक्ति वेदांत करके हॉस्पिटल के सहयोग से ये कार्यक्रम जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी यहाँ बच्चों का टेस्ट जारी है और लगभग एक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बच्चे जो है इस कैंप का फायदा उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जा रहा है कि हेल्थ के लिए हमें कहते हैं कि इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कुछ परेशानी हो उसके पहले ही हमें उससे बच के रहना चाहिए, उसी का ये पहल है और हमारे लिए पहल की है और इसके निश्चित ही अच्छे परिणाम आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, वसई से खुशी। डॉक्टर साहब, आज का क्या इवेंट बताइए? आज रिपब्लिक डे के दिन हम लोग ने यहाँ के जो मदरसा है, वो मदरसा के बच्चे लोग के लिए एक प्रॉपर आई, ईयर और डेंटल चेकअप का कैंप ऑर्गेनाइज किया है। उनसे जो रेगुलर चीज़ स्किप हो जाती है, पेरेंट्स ज़्यादा ये बच्चे लोग को इतना कभी कभी डेली रूटीन के हिसाब से ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ स्किप हो जाता है, तो ये मदरसा के थ्रू, ये कैंप के थ्रू जो कोई मेजर इशू छोटे स्टेज पे होते हैं वो डिटेक्ट हो सकेगा। तो आज का मेन पर्पज़ है अवेयरनेस, वो अवेयरनेस करने के लिए हम लोग ने कैंप किया। क्या एज ग्रुप के बच्चे इसमें शामिल थे? कितने बच्चों का एग्जामिन हुआ है? अराउंड फ्रॉम 6 to 15 ईयर्स और अराउंड 120 बच्चे इसमें शामिल हो गए, और जो बाकी भी रह जाएंगे उन लोग को भी बाद में हम लोग फिर से मुहैया कराएंगे। ये अभी तक जो डेटा आपके हाथ में लगा उसमें कुछ मेजर इशू किसी? अभी ऐसा मेजर इशू आ रहा है कि लोग जो आँख का जिसका प्रॉब्लम है, जिनको छोटी एज में जो पता चल जाना चाहिए वो पता चल रहा है, थोड़े लोगों को जिसको चश्मा है नहीं, ऐसा लगता है सब क्लियर विजन है, जो ज़्यादा टीवी में आगे बैठने की वजह से हो जाता है, वो चीज़ आगे आ रही है, सामने आ रही है। कुछ ऐसा एक स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे ताकि हेल्थ के लिए लोग? स्पेशल मैसेज यही रहेगा कि हम लोग को हमारे बॉडी के पीछे इतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम ध्यान देते हैं उनकी पढ़ाई के पीछे। बच्चे का हेल्थ अच्छा रहेगा तो बच्चे पढ़ाई भी अच्छा कर पाएगा और उनके आगे फ्यूचर में सक्सेस रेशो बढ़ता है, और जो बड़ी चीज़ होने वाली रहती है वो पहले पता चल जाती है, तो छोटे में सब क्लियर हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आती हर तरीके से, बच्चों को भी और फाइनेंशियली। थैंक यू सर। आपका नाम? जी, मेरा नाम चंद्रकांत मिश्रा है, हम भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से आए हैं, और ये जो पूरा यूनिट है ये पूरा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से आया है। यहाँ पर बच्चों के रिफ्रेक्शन के लिए, उनके आई चेकअप के लिए हम पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। आज कितने रजिस्ट्रेशन आज हुए और क्या अभी तक का रिपोर्ट है? अभी तक हमारे पास 70 बच्चों का आ चुके हैं जिनका हमने चेकअप किया हुआ है, उसमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको हमें चश्मे के नंबर देने की जरूरत है, बाकी के बच्चे ऐसे हैं जिनके आंखें अभी तक तो नॉर्मल हैं, और जो अभी कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन चालू है तो जैसे जैसे आएंगे वैसे हमें आगे का मालूम पड़ेगा। आपकी ये वैन में किस तरह की फैसिलिटीज है? यहाँ पर हम पूरा कम्प्रेहेंसिव आई चेकअप करते हैं, यहाँ पर बच्चों के ग्लासेस वगैरह भी अगर हैं किसी को तो उनका नंबर भी चेकअप होता है, कोई डिजीज है वो भी मालूम पड़ता है, अगर हमें लगा कि उसके आगे भी उनका डिटेल एग्जामिनेशन करना है तो उनको हम यहाँ से अपने हायर सेंटर में रिफर करते हैं, और उसके बाद उनका जो भी डिटेल एग्जामिनेशन है, डायलेटेड एग्जामिनेशन है, वो सब वहाँ पर होता है। हेल्थ के लिए का कुछ खास करके आँख एक बहुत ही नाजुक चीज है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उसके लिए यही है सर कि आप ईयरली एक बार चेकअप करते रहें, क्योंकि बेटर है कि आप बाद में अगर विजन जाता है, लॉस होता है, तो उससे अच्छा है कि हमें पहले से ही उसके बारे में मालूम हो, इसलिए एक बार साल में एक बार चेकअप आप करवाते रहिए। आँख को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? आँख को बचाने के लिए मीन्स नॉर्मल नींद पूरी होनी चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, और बस बाहर निकलते हैं तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करने चाहिए आपको। सर, आज क्या प्रोग्राम है? आज यहाँ पे हमारे मदरसा सैफिया वसई रोड के अंदर जो मदरसा के बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हम लोगों ने डेंटल आईज और कान का हम लोगों ने चेकअप रखा है। कितने बच्चे हैं जिनका चेकअप किया गया और क्या इसमें रिजल्ट आया? करीबन 180 बच्चे हमारे मदरसा में पढ़ते हैं, और अभी जो हाजिर है लगभग 120 बच्चे हाजिर है हमारे पास। रिजल्ट क्या है सबका? काफी अच्छा, बच्चों लोग का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम को? बहुत अच्छा किया हुआ है, ये जो 26 जनवरी को ये जो बच्चे लोग हैं के लिए जो ENT चेकअप, आईज के लिए, ईच के लिए, सब बच्चों का कैंप है, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों की तरफ से भी, कमेटी लेवल भी, और
जमात कमेटी है, सब कमेटी या मदरसा सेफ्टिया कमेटी है, सब ने जो रिस्पॉन्स दिया बहुत अच्छे तरीके से, सबका शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं। इसमें कौन से हॉस्पिटल ने आपको सहयोग किया? भक्ति वेदांत जो हॉस्पिटल है खास TNT के, उनकी अच्छी खाली मोटी टीम आई हुई है, यहाँ पे दो दो उनकी वैन आई हुई है मोबाइल वैन, और हमारे जो डेंटिस्ट डॉक्टर है हमारे हुसैन भाई फार्मल, हमारे उनके भी अच्छा सहयोग, हमारे दांत के स्पेशल डॉक्टर भी उनके है। आगे भी फ्यूचर में इस तरह के और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, हर साल में एक तो होना ही चाहिए। ये तो काफी लंबा अरसा निकल गया कोविड के हिसाब से, हम लोग नहीं कर पाए, मगर अभी नेक्स्ट फ्यूचर हमारा यही है कि हर साल हम लोग प्रोग्राम रखें। दूसरी बात ये हमारे जो मौलाना साहब सैयद अली करीम मुफद्दल मौला, उनकी भी खुशी उनकी मंशा है कि हेल्थ वाइज हर चीज को जो हमें बताते हैं, हमें जो मतलब हमें जो गाइडेंस करते हैं हम लोग, उसको आगे करते हुए हम लोगों ने ये स्टेप उठाया, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी कम्युनिटी लेवल के हमारे जो जनाब साहब हैं वसई रोड के, उनका भी अच्छा सहयोग रहा हमारा, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।